हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। योगी को अपशब्द कहने वाले पर एफआईआर, लिस्ट ने गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया। जहां डलता है कूड़ा वहां बनेंगे सेल्फी पॉइंट। 75 जिले 75 घंटे और 750 निकाय। सहारनपुर में 15 कूड़ा घर बनाए जाएंगे। युवक पर रेप और धर्म परिवर्तन का आरोप झूठा निकला। मुजफ्फरनगर जेल से 14 माह बाद युवक की रिहाई। युवती पर चलेगा केस। हरदोई में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाहर खेल रही थी बच्ची। ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। अमरोहा में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत। बाइक के पेड़ से टकराने से वहां सा बिजनौर के रहने वाले थे तीनों युवक। मुरादाबाद में गत्ता गोदाम में लगी भीषण आग। जेसीबी से दीवार तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन। गोदाम में फंसा एक आदमी झुलसा। बलिया जेल में बंदी से मिली प्रेमिका। दोनों ने खाया जहर। वाराणसी जाते समय युवती की मौत। परिजनों से पूछताछ में जुटी पुलिस। योगी से मंच से नहीं मिली सैनी को ज्वाइनिंग। वजह 8 महीने पहले कहा था योगी को वापस मठ भेज दूंगा। बाकी से गला रेत कर की थी प्रेमिका की हत्या। रायबरेली पुलिस ने किया खुलासा। 2 दिन पहले मिला था शव। आरोपी प्रेमिका के पति का था दोस्त। शाइन सिटी घोटाले को लेकर नए खुलासे। 68,000 करोड़ घोटाले मामले चौकी इंजार से लेकर कई बड़े अफसरों तक पहुंचता था हिस्सा। दो मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनी मंदिर के लिए 7 फेरे। बोली वहां सम्मान नहीं, 3 बार तलाक बोलकर हलाला करते हैं। बिजनौर में बढ़ापुर वन रेंज में हाथियों के बीच संघर्ष। एक हाथी की मौत। आज होगा पोस्टमार्टम। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। गाजियाबाद में लिफ्ट में 24 मिनट फंसी रही 3 बच्चियां। 20वें फ्लोर में आकर 11वें फ्लोर पर अटके लिफ्ट। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सचिव पर एफआईआर। जौनपुर में हादसा बेकाबू। रोडवेज बस की चपेट में 3 लोग आए, 1 की मौत। 2 घायल। सीएम ने जताया दुख। ड्राइवर ने खुद चोरी कराया ट्रक फिर बेची खाद। बन्ना देवी थाना क्षेत्र के 23 नवंबर को चोरी हुआ था ट्रक। 8 लाख की खाद 3.5 लाख में बेची। किशोर की जान लेने वाली बाघिन को जंगल में छोड़ा। दक्षिण सुनारीपुरा रेंज में पहुंचे बाघिन वन विभाग की टीम ने 3 घंटे में पकड़ा था। प्रतापगढ़ में चौकीदारी की गोली मारकर हत्या। प्लांट की रखवाली करने के लिए गया था, सुबह खून से लथपथ मिला शव। आदिपुर नगर पंचायत के चेयरमैन ने लगाया बीजेपी का झंडा। भ्रष्टाचार का एक गंभीर आरोप। निर्दलीय लड़कर भाजपा उम्मीदवार को हराया था। पीलीभीत में सामूहिक आत्महत्या में सुसाइड नोट आया सामने। लिखा आत्म सत्य वचन, हाथ पूरा बदला हुआ। बेटा बोला बहन पर आता था ताई का साया। रामपत के नया घाट पर जमकर गर्जा बुलडोजर। रास्ते के दोनों ओर बैरियर लगाकर घंटों चली कार्रवाई। सामान लेकर भागते रहे व्यापारी। पीलीभीत
अदालत में पेशी के दौरान कोर्ट परिसर से भागा नाबालिग चोरी के मामले में पुलिस ने किशोर न्यायालय बोर्ड में ली गई थी, घर से पकड़ा गया था। वाराणसी में 75 घंटे का महास्वच्छता अभियान, शहर को किया जा रहा है गार्बेज फ्री, कूड़े की ढेर की जगह दिखेंगे सेल्फी पॉइंट। सोनभद्र में डीजल की तस्करी में ट्रक चालक गिरफ्तार, 3 पर FIR दर्ज, 2250 लीटर डीजल की बरामदी। चंदौली के सकलडीहा में 4 प्रभारी बदले, फिर भी अपराधियों का पता नहीं लगा सके, दहशत में है व्यापारी का परिवार। बिजनौर में पंचायत सचिव का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 700 लिए सचिव, बोला ऊपर तक जाता है पैसा। अंबेडकर नगर में पुलिस के थर्ड डिग्री से 20 वर्षीय युवक की मौत, पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटने का आरोप। लखनऊ में नहीं थम रहा है डेंगू का डंक, लगातार मिल रहे हैं डेंगू के मरीज, शहर में 37 नए डेंगू के मरीज। अलीगढ़ में बहुचर्चित संदीप हत्याकांड के आरोपी के साथ अन्य बंदी ने फेसबुक पर फोटो वायरल, मचा हड़कंप। औरैया में शातिर बदमाश और पुलिस में मुठभेड़, मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा ने लिया चार्ज, रात 2 बजे लखनऊ से गाजियाबाद पहुंचे, फिलहाल SSP ऑफिस में बैठेंगे। अलीगढ़ में अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते दिखे 3 युवक, तीनों युवकों के अवैध तमंचा के साथ सोशल मीडिया पर फोटो हुआ वायरल। अमेठी में दबंगों ने दलित युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। औरैया में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर 3 युवा साइकिल से कर रहे हैं भारत भ्रमण, मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को बताया अच्छा। बुलंदशहर में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी सवारियों से भरी रोडवेज बस, हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री घायल। औरैया में दूल्हे राजा को गर्लफ्रेंड ने पहुंचा दिया थाने, लड़की के पिता बारात के स्वागत करते रहे इंतजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में डकैती की घटना में फरार चले 2 बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। गोंडा में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी, खुलेआम मरीजों की बाहर से लिखी जा रही दवाएं। बुलंदशहर में रेस्टोरेंट व होटलों पर SSP व सिटी मजिस्ट्रेट ने की छापेमारी, छापेमारी में रेस्टोरेंट संचालकों व शराबियों से मचा हड़कंप। हमीरपुर में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में बिजली अधिकारियों व कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल, उपभोक्ताओं के सामने दिख रहा है मुसीबत। हरदोई में चोर को तालिबानी सजा, धान चोर को खंभे से बांधकर पीटा, गल्ला मंडी से 5 बोरा धान चुराकर कार से ले जा रहे थे चोर। रायबरेली में धरातल पर नहीं उतर सका सड़कों को गड्ढा मुक्त का अभियान, डेडलाइन का आज आखिरी दिन। कुशीनगर में भाजपा नेताओं ने निकाला जन आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर लोगों से किया जनसंपर्क।
लखनऊ में राज्य स्तरीय सफाई अभियान की शुरुआत, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने की अभियान की शुरुआत। रायबरेली में दो पक्षियों की बाइकों आमने सामने में हुई भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों को घायल, घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। कुशीनगर में अंतरप्रांतीय बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में दौरान 4 बदमाश हुए घायल। रायबरेली के अधिवक्ता का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला शव, सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ नगर पंचायत चुनाव में सचिन सिंह शोलू के नाम बह रही है हवा, जनता की पहली पसंद बने सचिन सिंह। अलीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने थानेदारों को ठगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में गृह कलश के चलते महिला ने विषैला पदार्थ पीकर दी अपनी जान, मायके के पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। हमीरपुर में चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम, चोरों ने पार्क की लाखों की नकदी कीमती जेवरात। लखनऊ में दुकान कब्जेदारी को लेकर जमकर मारपीट, महिला ने कई लोगों पर लगाया दुकान का शटर काटने का आरोप। सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में नहीं आया फैसला, इरफान सोलंकी के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने 2 दिन का वक्त मांगा। रिटायर्ड AIS गंगादीन यादव सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स की दर्दनाक और दुखद मौत, अपने ही घर के लिफ्ट में गिरने से हुई मौत। कानपुर में मामूली बात को लेकर गुप्ता और शुक्ला होटल के बीच हुई जमकर मारपीट, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर जारी, ट्रक और बस आपस में भिड़े, थाना मानक नगर क्षेत्र में हुआ भीषण हादसा। वाराणसी में बोरी में बांधकर शव नाले में फेंका, 2 से 3 पहले हत्या की आशंका, फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे पुलिस। रायबरेली में शादी का झांसा देकर 8 साल से दुष्कर्म कलर पर मुकदमा दर्ज, पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई, आत्महत्या की दी चेतावनी। आजमगढ़ में शिक्षक का मर्डर, स्कूल जा रहे थे जब बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की, प्रधानी की रंजिश में हुआ हमला। फतेहपुर में खाद की कालाबाजारी रोकने को बनाई रणनीति, पूर्व सैनिक उत्थान समिति ने जताई नाराजगी, महंगे दामों में बिक रही है खाद। मऊ नगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही, शहर का वातावरण हो रहा है दूषित, जहरीली गैस से लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष को दी गई विदाई, डीएम एसपी ने स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित, कहा शालीन बनकर कर्तव्यों का पालन किया। उन्नाव में ट्रेन से कटकर 1 अधेड़ की मौत, मृतक की नहीं हो सकी पहचान, पुलिस कर रही है जांच। सड़क हादसे में इकलौते बेटे की मौत, दादा चचेरे भाई घायल, झांसी में शादी में शामिल होने जा रहे थे। नटवर लालू ने व्यापारी से ठग लिए 30 करोड़, दिल्ली पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, 13 करोड़ की नकदी बरामद।
फिरोजाबाद में डीएम ने सुनी उद्यमियों की समस्याएं, उद्योग बंधु की बैठक में संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। दबंग जेठ ने महिला को बच्चों के साथ निकाला बांदा में, महिला ने एसएसपी से लगाई गुहार, बच्चों के साथ स्टेशन में गुजारी रात। संत कबीर नगर में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी आप, प्रत्याशियों के नाम पर हुई चर्चा, चुनाव प्रभारी बोले सभी सीटों पर मजबूती से लड़ेगी पार्टी। डीएम और एसएसपी ने जिला कारागार के क्या निरीक्षण, मऊ में अनुपस्थित फार्मासिस्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अमरोहा में शराब माफियाओं की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, एक साल में 6 गैंगस्टरों पर हुई कार्रवाई, एसपी का ऐलान आगे भी एक्शन जारी रहेगा। डीएम ने आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय का क्या निरीक्षण, गंदगी देकर प्रचार को फटकार, कहा बिना अनुमति कोई नहीं छोड़ेगा विद्यालय। ललितपुर में कंटेनर ने पीछे से कार में मारी टक्कर, कार आगे खड़ी बस में टकराई, कार सवार 2 लोग घायल। पति ने पत्नी को प्रधान प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ा, महाराजगंज में गेस्ट हाउस में मिले दोनों, पति ने पत्नी दोस्तों के साथ मिलकर की पिटाई। इटावा में लाइनमैन की करंट में चपेट में आकर मौत, पोल पर काम करते समय हुआ हादसा, 3 घंटे बाद एसओ ने उतरवाया शव। संत कबीरनगर की डीएम पत्नी को देंगे तलाक, ससुर का आरोप, उन्नाव की बैंक अफसर के प्रभाव में मेरी बेटी को त्याग रहे आईएएस अफसर प्रेम रंजन। गाजीपुर में 695 जोड़ों की शादी की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, 2 और 9 दिसंबर को होगा सामूहिक विवाह, अफसरों को सौंपी गई जिम्मेदारी। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।